अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है सुबह 5 बजे, और सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। और फिर जब भी उठती हूँ तो सबसे पहले मौसम देखती हूँ कि आज का मौसम कैसा है, मतलब गर्मी पड़ने वाली है, अच्छा मौसम हो जाए, बारिश हो जाए, इसका वेट करती रहती हूँ। फिर किचन में जाकर मम्मी और पापा के लिए चाय बनाती हूँ। वो सुबह नमाज़ पढ़ने जाते हैं, पापा मम्मी दोनों नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनको मॉर्निंग में जल्दी चाय चाहिए होती है, तो सबसे पहले उनके लिए चाय बनाना, फिर उनको अच्छे से चाय बना के पिलाना ताकि उनका दिन अच्छा जाए, और मैं भी एक कप पी लेती हूँ ताकि मेरा भी दिन अच्छा जाए। चाय बनाने के बाद मैंने मम्मी और पापा को चाय दे दी थी, बट मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद मैं अपनी चाय का कप लेके अपने रूम में जाके आराम से बैठ के अपनी चाय पीती हूँ। ये देखिए, जो भी लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, उन सबको मालूम है कि मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक है, कैप्चर करना, सूरज, चांद, बादल, मतलब सुकून मिलता है एक अलग से इनको देखने में। कभी तो ट्राई करिएगा। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई, और नहा के तैयार होके तो अब मैं जा रही हूँ सबके लिए नाश्ता बनाने। और आज के नाश्ते में बनाया है, सॉरी मैंने बनाया है पोहे और चाय। ऑब्वियस ये बात है, पोहे के चाय के बिना पोहे बिल्कुल अधूरे हैं। तो सबको नाश्ता देने के बाद अब आई है मेरी बारी, तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। इसके बाद मैं जाकर जनाब को उठाती हूँ, उनका जो उनको दूध चाहिए होता है मॉर्निंग में पीना होता है वो देती हूँ। फिर उठते हैं तो ठीक है, इनका मूड हो, वरना तो सोते रहते हैं दूध पी के भी। उसके बाद मैंने ये दो मनी प्लांट जो है अभी शुरू किया है, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो अभी मैंने जस्ट शुरू किए हैं और शुरुआत इन दो से हुई है। इंशाल्लाह बहुत सारे मैं ऐसे प्लांट लगाने वाली हूँ इस घर में। उसके बाद जी जनाब की नाश्ते का टाइम, उनको नाश्ता देना। आ जाओ। उठो। इसके बाद मैं घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, बाहर की भी की थी लेकिन उसका वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन हाँ, अपने भी रूम की क्लीनिंग का मैंने वीडियो बनाया है। और उसके बाद अच्छे से क्लीन विलिंग करके, बेडशीट बना के जनाब उठ जाए उसके बाद, और फिर घर की सफाई करके मैं लास्ट, सबसे लास्ट में अपने रूम की सफाई करती हूँ। रूम की क्लीनिंग के बाद मैं जाती हूँ किचन में लंच की तैयारी करने, और बस यही है मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो जी ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन मेरे ससुराल में। ससुराल में मॉर्निंग रूटीन सेम ही होती है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं मॉर्निंग रूटीन में। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि मैं ससुराल में क्या करती हूँ, मेरी मॉर्निंग रूटीन बताओ, तो मैंने ये वीडियो बनाया है, छोटा सा ही बनाया है, बिकॉज़ मैं ज़्यादा कैमरा लेके घूम नहीं सकती, काम होता है बहुत सारा। तो मैंने कोशिश की कि मैं जितना हो सके उस इस वीडियो में दिखा पाऊँ आप लोगों को कि मैं मॉर्निंग में क्या क्या करती हूँ। और ऐसे तो मॉर्निंग ससुराल में और पियर में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, बट दो तीन चेंजेस हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे मॉर्निंग में उठना, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में मॉर्निंग में उठना, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे आदत पड़ रही है कि मॉर्निंग में जल्दी कैसे उठते हैं। मतलब जल्दी कोशिश कर रही हूँ मैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप वहाँ पे आप आराम से कर सकते हो जो आपको करना है, लेकिन ससुराल में आप कुछ नहीं कर सकते आराम से। तो बस हर चीज़ आपको टाइम पे करनी होती है यहाँ पे, और सबका ख्याल रखना होता है मॉर्निंग से लेके शाम तक, रात तक आपका यही चलता रहता है कि सारा सबका काम टाइम पे हो जाए। और जो भी लड़कियाँ ये वीडियो देख रही होगी उनको भी ये फील हो रहा होगा कि
कि ऑब्वियसली बात है कि उनका भी मॉर्निंग रूटीन मेरे जैसा ही होगा, जो मैं करती हूँ वो भी वो करती होंगी। तो बस ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। और आपको कैसा लगा ये वीडियो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऑफ कोर्स इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सपोर्ट। और सब खुश रहे, अपना ख्याल रखे, लोगों का ख्याल रखें, और सबको खुश रखें अपने आसपास। अल्लाह हाफिज़।